दोस्तों जब भी हिप रिप्लेसमेंट की बात पेशेंट को पता चलती है तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट के बारे में समाज में तरह तरह के कन्फ्यूजन विद्यमान है कि ये सक्सेस नहीं होता, या खर्चा ज़्यादा लगता है, रिकवरी स्लो होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, दर्द बहुत होता है। इस तरह से लोगों के मन में तरह तरह के डर हैं और इसलिए इंसान हिप रिप्लेसमेंट कराने में टाइम लगाता रहता है और उसकी लाइफ मुश्किल होती रहती है। लेकिन जब वो मेरा वीडियो देखता है तो उसे पता चलता है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर इलाज गारंटी से हो रहा है, बार बार जाना नहीं पड़ रहा और रिकवरी भी शानदार है। आज बहुत दूर से आया एक फाइटर है जिनका हिप रिप्लेसमेंट मेरे पास हुआ था, आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? संजय कुमार कारक। संजय आप कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल विराटनगर। तो यार बेटा नेपाल तो बहुत दूर है, वहाँ से इतनी दूर राजस्थान आए, आपको डर नहीं लगा कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं हो जाए? डर तो लगा था, फिर मैं यहाँ पर मेरा दीदी और जीजा है लुधियाना में, वहाँ के मैं बताया उसको, वो बोला यहाँ पर दिखाएंगे फिर देखेंगे कैसा लगता है, कैसे होगा। ऑपरेशन में तो दर्द के मारे आपकी चीख ही निकल गई होगी? नहीं, ऑपरेशन के वक्त तो दर्द कुछ भी नहीं होता है। और खर्चा तो लाखों रुपए निकल ही गए होंगे, लाखों रुपए खर्च हुए होंगे यहाँ पे? नेपाल से 50% कम है हुआ। मतलब आप ये कहते हो जो नेपाल में दो रुपए का हो रहा है तो यहाँ 1 रुपए में ही काम हो गया आपका? हाँ। लेकिन आपके मन में ये डर नहीं था मैं इतनी दूर जाऊँगा, कल को मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो जाएगी? मुझको तो विश्वास था आप पर, लेकिन मेरे परिवार को फैमिली को विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था, फिर भी मैं आया। यहाँ का अस्पताल का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? कैसा अस्पताल है ये? ठीक है अस्पताल, सब यहाँ का सब स्टाफ भी फ्रेंडली है, सब डॉक्टर साहब भी ठीक है। अगर कोई ऐसा आदमी जिसके साथ कोई आने वाला नहीं है और अकेला ही आना चाहता है तो आपको लगता है यहाँ पे अकेले आके भी ऑपरेशन करा के जा सकता है? हाँ, आने से हो जाएगा। नेपाल के कोई और लोग हैं जिन वो ये वीडियो देख रहे हैं और उनको ऑपरेशन कराना है इंडिया में आके, तो आप क्या मैसेज उनको दोगे? नेपाल से बहुत सस्ता में यहाँ होता है और यहाँ डॉक्टर भी बहुत एक्सपीरियंस है और अच्छा होता है यहाँ। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस।